News 18, India. राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। कल आगरा में पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सालों बाद एक साथ नजर आए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने यह वादा किया कि गठबंधन की सरकार आएगी तो एमएसपी लागू करेगी। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। करंट सरकार कहती है कि हम आपको लीगल एमएसपी नहीं देंगे, लीगल एमएसपी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है जैसे ही हमारी सरकार आई हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, एक मिनट नहीं लगेगा। बीजेपी लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। माँ बाप पार्टी जनता पार्टी का समाया होगा और इस यात्रा के माध्यम से जो सबसे ज्यादा है, मैं कई जगह हूँ, राहुल जी को और तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल किया। सफल तभी होगा जब उससे भारतीय जनता पार्टी का समाया होगा। तो अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि हम मिलकर एनडीए को हराएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। लोकसभा की 80 सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। और यह पहली बार है जब अखिलेश यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा हुई है, लेकिन इसमें अखिलेश यादव इसलिए शामिल नहीं पहुंचे क्योंकि तब तक कांग्रेस के साथ सीटों पर बात नहीं बन पा रही थी। अब कांग्रेस के साथ सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है, यानी 17 और 63 का यह फॉर्मूला है। और 2017 के विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने के बाद अब 2019 की लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर राहुल और अखिलेश साथ आए हैं। और अब चूंकि 2024 में चुनाव होने हैं तो ऐसे में एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। और एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दोनों पर जमकर हमला किया और दोनों को पुराना माल नई पैकेजिंग बतला दिया। युवा दोनों सत्र में भी इकट्ठे थे, वही माल नई पैकेजिंग में है, कोई अंतर नहीं है। अब आज की तारीख में देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है, पूरी जनता ने एक एक जन भावना है देश को शिखर पर पहुंचाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, पूरे दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में ताकतवर बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनता ने मन बना लिया है। साइंस में ये कहता है कि जब कोई तार पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, फेस हो, तब मिलाकर लाइट आता है। अगर दोनों न्यूट्रल हो तो जलता तो नहीं लाइट है, तो ये दोनों न्यूट्रल वाले हैं। और एनडीए गठबंधन एक बार फिर पीएम मोदी के निशाने पर आ गया है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन पर जमकर हमला बोला। खासतौर पर इस दौरान कांग्रेस पीएम मोदी के टारगेट पर रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार तक सीमित रहने का आरोप लगा दिया। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस राज में हुए घोटालों का भी जिक्र किया है। तो प्रधानमंत्री के निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस, उन्होंने कहा कांग्रेस परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस राज में घोटाले होते रहे। उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी सामान्य जन को सुविधा देने की, नियत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती। जो थोड़ा बहुत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता था वो ये घोटाले करके लूट लेते थे। जब देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय आया, कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई,
कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। उधर रायबरेली में एम्स के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने रायबरेली में केवल राजनीति की, जबकि बीजेपी ने यहां काम करके दिखाया है। एम्स की गारंटी दी थी, कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मैंने रायबरेली एम्स का 5 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने पश्चिम बंगाल को पहले एम्स की गारंटी दी थी, आज कल्याणी एम्स का लोकार्पण भी हुआ, आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने आंध्र प्रदेश को पहले एम्स की गारंटी दी थी, आज मंगलगिरी एम्स का लोकार्पण हुआ, आपके सेवक ने वो गारंटी भी पूरी कर दी। मैंने हरियाणा के रेवाड़ी को एम्स की गारंटी दी थी, कुछ दिन पहले ही 16 फरवरी को उसकी आधारशिला रखी गई है, यानी आपके सेवक ने ये गारंटी भी पूरी। आज पूरा देश इतना प्यार दे रहा है, इतने आशीर्वाद दे रहा है, तो इसके यश का हकदार ये राजकोट भी है। आज जब पूरा देश तीसरी बार एनडीए सरकार को आशीर्वाद दे रहा है, आज जब पूरा देश अब की बार 400 पार का विश्वास कर रहा है।